आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जहां झुग्गी वहां मकान योजना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती हैं, जो कि मैप दिखा रहे हैं और जो घोसिया कॉलोनी है उसका ये मैप दिखा रहे हैं। डीडीए के मेंबर भी हैं सोमनाथ भारती हमारे साथ, आतिशी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही जो मेहरोली विधानसभा जिस इलाके में है वहाँ से विधायक नरेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन बात यही है कि डीडीए मेंबर होने के नाते आपको यहाँ पर क्या दिक्कत नजर आ रही है और किस तरह का वो नोटिस लगाया गया? देखिए मैप जो है ना ये बड़ा सिर्फ घोसे कॉलोनी यहाँ पर है, ठीक है, और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली लाइन, ये जो थोड़ी थिक लाइन दिख रही है जो रन थ्रू कर रही है, ये लाइन पहले गैर आबादी इलाके में था, पहले लाइन यहाँ था ये। अच्छा, ग्रीन एरिया। अब ये अचानक गैर आबादी से आबादी में लाने के पीछे क्या पर्पज है? चूंकि गैर आबादी में जब था तब यहाँ पे मतलब दो चार घर ही इफेक्ट हो रहे थे, अब बहुत भारी संख्या में घर इफेक्ट हो रहे हैं आबादी में लाने से, करीब 40,000 से 50,000 लोग विस्थापित होंगे, उसमें घोसिया कॉलोनी के 10,000 लोग कम से कम है, उसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जो घोसिया कॉलोनी के बाहर का इलाका भी है वो सारे इसमें विस्थापित हो रहे हैं। मेरे दो सवाल हैं, कौन सी विधानसभा में ये इलाका आता है? विधानसभा में आता है। अच्छा, और दूसरा ये जो लाइन आप कह रही हैं गाड़ी जो लाइन है यहाँ पर पहले थी, ये कब यहाँ शिफ्ट हुई? ये मुझे चूंकि 2017 में जब ये मुद्दा उठा था उस वक्त तो लाइन यहाँ थी, तो ये अचानक लाइन यहाँ पे आना ये अपने आप में कुछ दर्शाता है, कहीं लैंड माफिया कब्जे में तो नहीं आ गया भाजपा कि सोच रहा है कि भाई यहाँ पे बड़ा प्रोमिनेंट इलाका है इस इलाके को हम कब्जा लें, खाली करवा के फिर कब्जा लें। तो ये जो इनकी नूरा कुश्ती चलती है उसके पीछे मुझे हमेशा दिखता है कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा इरादा होगा जो लैंड माफिया के हाथ में ही बिकना चाहते हैं, देना चाहते हैं डीडीए जमीन। आप नोटिस लेकर पहुंची हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये क्या नोटिस है, ये नोटिस लगा दिया गया है और किसकी तरफ से लगाया गया है? ये नोटिस डीडीए की तरफ से लगाया गया है और ये डेमोलिशन ऑर्डर है जो कह रहा है, जो सोमनाथ जी अभी आपको लाइन दिखा रहे थे कि वहाँ पे स्थित सारे जो आबादी है उसको डिमोलिश किया जाएगा। ये कब लगाया और गया है, तारीख है? ये 12 दिसंबर को लगाया गया है, आप देख लीजिए, मतलब तुरंत जब बिल्कुल, और 10 दिन का टाइम दिया गया है। तो ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल झूठे वादों का पर्दाफाश करता है। जैसे ही दिल्ली में कोई भी चुनाव आता है, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, एमसीडी का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी वाले जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा लेके आते हैं, दिल्ली के गरीबों को वादा करते हैं कि हम आपको मकान देंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है झुग्गियों को तोड़ने का नोटिस लगा देते हैं। ये मेहरोली में हुआ जहाँ पे झुग्गी तोड़ने का नोटिस आ गया है, ये मेरी अपनी विधानसभा में हुआ जहाँ पर झुग्गियों को नरेला शिफ्ट करके वहाँ को झुग्गियों तोड़ने का नोटिस आ गया है। लेकिन दिल्ली सरकार की नीति क्या है, आपने भी योजना शुरू की? दिल्ली सरकार की स्पष्ट नीति है कि जब तक झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति को उसकी संतुष्टिदायक मकान नहीं मिल जाता, और वो भी हाईकोर्ट का क्लियर ऑर्डर है विद इन 5 किलोमीटर रेडियस इन सीटू रिहेबिलिटेशन आपको करना है, जब तक मकान नहीं मिल जाता, दिल्ली सरकार की स्पष्ट नीति है कि कोई भी झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी। लेकिन अब ये नोटिस लगा दिया गया है तो इसमें क्या कोई कानूनी कदम आम आदमी पार्टी उठाएगी, क्योंकि आप लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं? दूसरा सवाल ये है कि इन झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा, तो इन सवालों के जवाब उन लोगों को कैसे आप देंगे जो वहाँ पे रह रहे हैं? देखिए, हम बिल्कुल कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, दिल्ली के झुग्गी वासियों के लिए सड़क से लेकर संसद तक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे। जब तक दिल्ली में रहने वाले हर झुग्गी वासी को मकान नहीं मिल जाता, तब तक भारतीय जनता पार्टी किसी भी झुग्गी को तोड़ नहीं सकती है। जरूरत पड़ेगी तो हम बुलडोजर के सामने खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसी कड़कड़ाती हुई ठंड है जहां पर इंसान पक्के मकान के अंदर बैठने में इसको दिक्कत हो रही है, ये कैसी अमानवीय हरकत है कि आप इस समय आकर आप नोटिस लगाते हैं कि आप झुग्गियों को तोड़ने वाले हैं? कहां जाएंगे ये लोग? आप क्या इलाके के लोगों के साथ पहुंचे हैं यहाँ? बिल्कुल, मेहरोली के सभी लोग हैं, घोसिया कॉलोनी और आसपास का एरिया जहां का ये नोटिस आया हुआ है, यहाँ पे ये तमाम लोग वहीं के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे है। देखिए, ये बिल्कुल एक बहुत ही क्रूर तरह का एक नोटिस जारी किया गया डीडीए द्वारा और एलजी के इंस्ट्रक्शन से ये हुआ है, जबकि ये बिल्कुल क्लियर कट है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का ये वादा जो कर रहे हैं, और चुनाव जैसे ही खत्म हुआ और एकदम से बुलडोजर की बात करने लगते हैं, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ आतिशी जी का, सोमनाथ भारती जी का, जो मेंबर डीडी हैं, इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्गली इस मुद्दे को टेकअप कर लिया है। सरकार पूरी तरह से सभी लोगों को ये आश्वस्त कर रही है
है कि इसको हम सड़क से लेके संसद तक लड़ाई लड़ेंगे और जब तक माननीय केजरीवाल साहब हैं तब तक कोई भी मकान तोड़वाया नहीं जाएगा, तोड़ने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो समर्थन में उतर आए हैं। सोमनाथ भारती जी एक बात और कह रहे हैं, कई सारे खसरा पे स्टे ऑर्डर है। अच्छा, तो ना तो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ ऑर्डर भी हैं, वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट देखिए इसमें लिखा है खसरा नंबर सो एंड सो और हाउएवर अंडर स्टे, तो स्टे का भी ये लोग पालन नहीं करना चाहते। इसमें गजट है, गजट के अंदर प्रोटेक्शन, ये गजट है, देखिए इस गजट में प्रोटेक्शन प्राप्त है जो यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन है, उस प्रोटेक्शन को भी नहीं मानना चाहते। तो मानना किसको चाहते हैं? ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के ऑर्डर्स के मान्यता दे रहे हैं, ना हाई कोर्ट का मान्यता दे रहे हैं, ना गजट नोटिफिकेशन का मान्यता दे रहे हैं। तो ये चक्कर क्या है? ये कौन सी बड़ी संविधान से ऊपर की शक्ति हिंदुस्तान में आ गई है कि संविधान इनके लिए कोई मायने नहीं रखता? तो मुझे लग रहा है कि भाजपा को समझना चाहिए कि ये देश चलता है बाबा साहब के संविधान से, इसलिए बाबा साहब के संविधान में जो लिखा हुआ है, जो उससे कानून निकल रहे हैं, उसका सम्मान करना चाहिए। और आज जैसा आतिश जी ने कहा, एक कड़कड़ाहट ठंड में आप इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के आ रहे हो तो अमानवीय भी है, असंवैधानिक भी है, गैर कानूनी भी है और मानवीयता के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। आतिश जी, क्या ये चुनावी कनेक्शन आप देख रहे हैं? आपने कहा कि चुनाव से पहले पक्के मकान देने की बात कही बीजेपी ने और अब इस तरह का नोटिस चिपकाया गया। देखिए, ये साफ दिखा रहा है कि बीजेपी चुनाव से पहले सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे एक महीने पहले वो वादा कर रहे हैं कि जहाँ पे झुग्गी है वहीं पे मकान देंगे और उसके चुनाव का एक हफ्ते बाद ही ऐसा नोटिस लग जाता है कि हम झुग्गी पे बुलडोजर चला देंगे। झुग्गी पे अगर बुलडोजर चलना था, ये एक दिन में नोटिस नहीं लगता है। ये सब डीडीए वालों को पता होगा, ये एलजी साहब को पता होगा, ये केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को पता होगा। ऐसा नोटिस, हजारों लोगों के घर तबाह करने वाला नोटिस एक दिन में नहीं लगता है। तो ये साफ है कि चुनाव के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे थे जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे, तो वो सरासर झूठ बोल रहे थे, लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पे आम आदमी पार्टी के विधायक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समर्थन में उतर आए हैं तमाम लोग, यहां पे देखिए अपने कागज लेकर पहुंचे हुए हैं और जो नोटिस चिपकाया गया है उसे लेकर आम आदमी पार्टी अब सवाल खड़े कर रही है और साथ ही साथ बीजेपी ने जो चुनाव से पहले वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान का, उसे लेकर भी आम आदमी पार्टी राजनीतिक तौर पर बीजेपी से सवाल पूछ रही है। तो देखना ये होगा कि इससे जो 10,000 से 50,000 की आबादी प्रभावित हो रही है उन्हें बचाने में कानूनी तौर पर भी आम आदमी पार्टी कितनी कामयाब हो पाती है।